आप सब जानना चाहते होंगे कि अगर क्रिकेट पर एक किताब होती है तो उसका नाम लोकतंत्र से क्यों जुड़ता है, उसे डेमोक्रेसी 11 क्यों कहते हैं। आपने किताब पढ़ी है राजदीप की अभी तक? हाँ, पढ़ी, शुरुआत तो की है। मैं बीमार हो गया था तो मुझे अवसर नहीं मिल सका कि मैं पूरी पढ़ सकूं। तो हम पहले उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी 11 क्यों। बिल्कुल सही। देखिए श्वेता, आज की तारीख में अगर आप देखें तो मुझे लगता है क्रिकेट एक ऐसी एक्टिविटी है जो धर्म, जाति, क्लास डिवाइड जो हमारे सोसाइटी में है, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप धर्म की राजनीति कर सकते हैं, जाति की राजनीति कर सकते हैं और आप नेता बन सकते हैं। अगर आपके पिताजी नेता थे तो आप नेता बन सकते हैं, अगर आपके ये दादाजी नेता थे तो आप नेता बन सकते हैं, आपकी दादी नेता थी तो आप बन सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसी, और अगर आप फिल्म स्टार भी हो, अगर आपके पिताजी फिल्म स्टार हो तो आप फिल्म स्टार भी बन सकते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां आपको टैलेंट की जरूरत है। ये मुझे लगता है इस वजह से मैं उसे लोकतंत्र से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आज आप इस ऑडियंस से पूछिए, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं या किसी नेता को करते हैं? तो ये एक तरह से मुझे लगता है राजदीप, सवाल अगर ये होता कि आप महेंद्र सिंह धोनी को पसंद, और इसमें कोई किसी पर निजी टिप्पणी नहीं है, कि आप महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं या सुनील गावस्कर के बेटे को, इससे स्पष्ट होता है शायद आप वो ये दिखा रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह से विरासत है, बॉलीवुड में जिस तरह से विरासत है, क्रिकेट में विरासत चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एक जमाने में था कि आप अगर राजा राजवाड़े से के घर से आते थे तो आप कप्तान बन सकते थे टीम के। आज की तारीख में आपको अपनी मेहनत और काबिलियत के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटे से गांव से भी आ सकते हैं, छोटे शहर से आ सकते हैं, आप में अगर काबिलियत है तो आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं। मैं क्रिकेट के विभाजन की एक रेखा को यहां पर चिन्हित करना चाहूंगी कीर्ति आजाद के जरिए। क्या सचमुच कुछ नहीं या फिर क्षेत्र के आधार पर क्रिकेट में आज भी है? नहीं, क्षेत्र के आधार पर कोई नहीं है। देखिए अंततः कभी था, कभी वो बंबई, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, और छोटे शहरों से एक धोनी जैसा निकलकर लड़का का आना। देखिए जब टेलीविजन आया, आपको सही मायने बताऊं, जब टेलीविजन आया और 22 एंगल और 30 एंगलों से बढ़कर लोगों को देखना शुरू हुआ और गांव देहात तक टेलीविजन पहुंचा, तो लोगों के जो लोकल कोचेस हुआ करते थे उन लोगों ने भी अलग अलग तकनीकों को सीखा और कैसे लड़ते भिड़ते हैं क्रिकेट के मैदान के अंदर, वह भी उसमें से उनको सीखने को मिला। लेकिन जिस समय हम लोग खेला करते थे टेलीविजन की उतनी रीच नहीं थी। आज आपके आज तक के ऊपर, इंडिया टुडे के ऊपर आप देखिए क्रिकेट के कितने प्रोग्राम्स होते हैं और लोग बड़े चाव से देखते हैं। मैं भी एक खिलाड़ी होने के अलावा भी मैं उसको बड़े चाव से देखता हूं। तो उस समय शहरों तक सीमित था क्योंकि लोगों तक इसकी जानकारी अंदर तक नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज के समय में इतनी कुछ हो जाने के बाद, इतना टेलीविजन आने के बाद, एक्सपोजर हो जाने के बाद, आप देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों से, गांव से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी बन करके आ रहे हैं। और यह केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, ये और खेलों में भी सीमित है। आप बैडमिंटन में देखें किस तरीके से हमारी पीवी सिंधु आगे बढ़ करके आई हैं, आप देखें श्रीकांत कैसे आगे बढ़ करके उसमें से आ रहे हैं। दूसरे अन्य खेलों में भी जैसे ही एक्सपोजर आया, अन्य खेलों में भी उसका प्रभाव हुआ। क्योंकि साथ में श्वेता, अगर आप देखें आज अगर भारतीय टीम में 11 प्लेयर हैं, 7 ऐसे प्लेयर हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, 3 या 4 रह गए हैं जो बड़े शहरों से आते हैं। एक जमाने में अगर आप छोटे शहर में भी थे, अगर आपको गेम खेलनी थी तो आपको बड़े शहर पहुंचना पड़ता था। आज की तारीख में अगर आप अमृतसर में हो, अगर आप रांची में हो, अगर आप कोची में हो, वहां छोटे छोटे जगहों में भी क्रिकेट के ग्राउंड्स हो गए हैं, आपको मौका मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि इस देश में जिस दिन हर चीज में अगर आप किसी भी व्यक्ति को मौका दोगे वो देश बदल देगा। आज आप IIT देखिए, आप मेडिकल एग्जाम देखिए, कहां से बच्चे आ रहे हैं? कोई बड़ी स्कूल से नहीं आ रहे, छोटे छोटे स्कूल से आ रहे हैं, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं। इस देश में दुनिया, इस देश की ताकत क्या है? जनता है। आप जनता को मौका दीजिए, हम किसी भी क्षेत्र में, क्रिकेट छोड़िए, हम दुनिया को हिला सकते हैं। आप मौका नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको मौका देना है। आज के एडिटर्स कहां से आते हैं? मेरे दोस्त सुप्रियो जी डुमका से आते हैं। एक जमाने में कहा जाता था बड़े एडिटर जो है केवल किसी बड़े स्कूल से आने चाहिए, अब वो दुनिया बदल गई है। धोनी मुझे लगता है क्रांति लाए हैं, ये क्रांतिकारी है और सबने ये क्रांति को एक तरह से अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। राजदीप, देश में क्रांति है। एक बात बताऊंगा,
क्योंकि जिस समय आपके पिताजी गोवा में थे और फिर बंबई में आए तो उनको पूरा एक्सपोजर मिला, उस समय इस प्रकार का एक्सपोजर नहीं था, इसलिए धोनी जैसी बहुत सारी कहानियां सामने नहीं आई। बिल्कुल नहीं, तो दिलीप सरदेसाई सर आपके पिताजी वह भी गोवा में खेलते थे और वह जब बंबई में आए तो उनको फिर मौका मिला कि वह देश के लिए खेल सके, तो यह भी ऐड जरूर कीजिएगा। नहीं बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं श्वेता कि उस जमाने में वो गोवा में थे, मेरे पिताजी को एक दर्जी ने क्रिकेट सिखाया, लेकिन इसके बावजूद उनको उनको मुंबई आना पड़ा क्योंकि जब तक वो मुंबई आए उनको मौका नहीं मिला। आज की तारीख में आप गोवा में रहकर अगर आप परफॉर्म करें तो लोग आपको देखेंगे। छोटे ये हार्दिक पंड्या जो नए स्टार बने हैं कैसे आए, सूरत से आए हैं, छोटे छोटे शहरों से लड़के आ रहे हैं और देश की वो एक तरह से वो तस्वीर बदल रहे हैं, क्रिकेट की तस्वीर बदल रहे हैं, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लोकतंत्र की एक जीत है। क्रिकेट पर दरअसल बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत तरीके से लिखा गया है। जो बहुत दिलचस्प नजरिया आपने लिया वो ये कि उन किस्सों के नजरिए से आपने उसे थामा है, उस सिरे को कहानियों के, और 11 ऐसे किरदार जो वर्ल्ड 11 नहीं है वो डेमोक्रेसी 11 है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं उस बड़े सवाल पर जाने से पहले मैं धोनी के साथ जो आपकी बातचीत हुई है और धोनी पर जो खासकर हिस्सा है आपका, क्योंकि भले ही उन पर फिल्म बन गई लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी का हर एक कोण उसमें कवर हो गया है। नहीं, उसके साथ साथ धोनी के क्या विचार, मैंने धोनी जी से पूछा, आप जब रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्ट कर रहे थे 2002 में, आपको कभी लगा कि 9 साल बाद मैं वर्ल्ड कप चैंपियन बनूंगा और दुनिया का शायद क्रिकेट में सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन? तो उन्होंने कहा, राजदीप भाई जब मैं क्लास 3 एम्प्लॉय रेलवे में था तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि मैं क्लास 2 कैसे बन जाऊं, कि उस नौकरी से हटकर मैं और कोई प्रमोशन मुझे कैसे मिले। और उसने ये भी कहा कि 3 महीने तक मैं टिकट बांटता रहा खड़गपुर स्टेशन में और 3 महीने बाद मैंने वो नौकरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी थी, और जैसे ही मैंने उसमें पूरी मेरी पकड़ बन गई मुझे ट्रांसफर किया गया। और ये मुझे लगता है उस लड़के में सबसे बड़ी बात है कि आप कभी वो उसका उसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो सादगी है, इसी वजह से धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर बना है। उसकी थिंकिंग जो है बड़ी सीधी है। वो कहता है जब बॉलर मेरे सामने आता है लास्ट ओवर में, लोग कहते हैं धोनी प्रेशर में है, मैं कहता हूं बॉलर मुझसे ज्यादा प्रेशर में है कि वो धोनी को बॉलिंग डाल रहा है, वो एक बॉल गलत डालेगा मैं उसको 6 मारूंगा। अब ये जो थिंकिंग है, मैं एक ग्लास था हमारे सामने जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उसने कहा ये ग्लास जो है मेरे लिए ये बहुत है, मुझे और किसी चीज की इस समय जरूरत नहीं, मुझे प्यास लगी है, इस ग्लास से मेरी प्यास बुझ जाएगी, क्यों मुझे कुछ और कोका कोला की जरूरत, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो हर चीज को मुझे लगता है वो उस समय में रहता है, और ये मुझे लगता है उसकी खासियत है, और हमारे जिंदगी में ये खासियत होनी चाहिए। हम हमेशा परेशान होते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होता होगा, धोनी समझते हैं उस समय क्या हो रहा है उसमें वो खुश रहते हैं, ये उनकी खासियत है। बहुत छोटी जरूरतें भी उनकी होती हैं। फेवरेट एक उनके चाउमीन के ठेले वाला है जो आज तक बचपन से लेके आज तक वहीं से मंगा कर खाते हैं, उसमें से तेल टपकता रहता है, लेकिन धोनी का फेवरेट है। जो बात राजदीप ने अभी बताई है ये दरअसल सिर्फ धोनी जिस जगह पर थे, जिस नौकरी में थे, वो सारी चीजें नहीं, आपको भी अपने परिवार में रहते हुए ये कन्विंस करने में समस्या हुई होगी कि मैं क्रिकेट को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। ये उन छोटे शहरों में उन आपके लिए वो दौर, धोनी के लिए वो पृष्ठभूमि, लेकिन दिक्कत तो तब भी थी कि लोग उस सफर को समझने की कोशिश करें कि एक लड़का जो है वो आश्वस्त है कि मैं यहां पर नाम बना लूंगा। देखिए, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, आपके अंदर वह अभिलाषा है और आप चाहते हैं, डिजायर है आपके अंदर, अभिलाषा है मैं कुछ करना चाहता हूं, उसके साथ दृढ़ संकल्प है सर, आपके साथ मन में आपकी अभिलाषा है, दृढ़ संकल्प है और अनुशासन सबसे आवश्यक है। अनुशासन मुझ में नहीं था इसलिए मैं उतना ज्यादा नहीं खेल पाया जितना खेलना चाहिए था। यह इन सभी चीजों का अगर एक समागम हो जाता है तो आपको धोनी जैसा खिलाड़ी निकलता है। उसके मन में यह बस एक थी, जुनून था, जुनून लगा था कि मुझे खेलना है, अच्छा करना है। अभी राजदीप ने बताया कि मैं एक ग्रेड स्केल 2 से स्केल 2 पे किसी तरह मेरी प्रमोशन हो जाए तो मैं ये टिकट बेचना बंद करूं। और किसको मालूम था कि अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर वो विश्व का इस प्रकार का खिलाड़ी बन जाएगा कि उसे रेलवे की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो यह सारी चीजें होती हैं जो आपके मेहनत पे निर्भर करती हैं। आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी किस्मत में मैंने कभी विश्वास नहीं किया, न कभी भाग्य में मैंने विश्वास किया। आप कर्म करते रहिए, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, आपको फल जरूर मिलेगा, रोक नहीं सकता। और उसका सही उदाहरण यदि कोई है तो वो धोनी है। मैं श्वेता ये कह रहा था, कीर्ति आजाद के पिताजी जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो मैं कहीं कीर्ति भाई को कह रहा था कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो कोई आपको ये नहीं कहता था कि आप भगवत झा आजाद के बेटे हैं, लेकिन जैसे वो राजनीति में पड़ गए लोगों ने कहा आप राजनेता बन गए क्योंकि आप भगवत झा आजाद के बेटे हैं। राजनीति में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए एस्पायर कर सकते हैं क्योंकि उनके उनकी दादी उनके पिताजी सब राजनीति में है। अभिषेक बच्चन फिल्म स्टार बन सकते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार है, लेकिन मैं नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पिताजी थे, ये आप जानिए। और इनको भी आसानी थी थोड़ी राजनीति में, क्रिकेट में उतनी आसानी नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा, मैं बिल्कुल वंशवाद नहीं मानता कि वंशवाद राजनीति में है। जहां लोकतंत्र है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां लोग आपको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, आप चुन करके आते हैं, उसके बाद चुने हुए लोगों के बीच में से आपको सिलेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर। यह आपकी कहती है, आपकी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, बीजेपी तो कहती है कांग्रेस में वंशवाद है, यहाँ आप कह रहे हैं राहुल गांधी का वंशवाद नहीं है। मैं तो आपकी डेमोक्रेसीज 11 डिस्कस करने आया था, आप पार्टी पे आ गए। मेरा केवल इतना कहना है, कोई कह सकता है, ये अच्छे जुमले हो सकते हैं कि वंशवाद है वंशवाद है, लेकिन अंततः जनता उसी को चुनती है जिसको वो चाहती है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उनके ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, चाहे नेशनलाइजेशन हो, बैंक का किया हुआ हो, चाहे बांग्लादेश के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कही हो, उनके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे कार्य किए। तो आप एक के बाद एक किसी का परिवार से होना वंशवाद, मैं इसमें नहीं मानता। रजवाड़ों में जरूर मानता हूं, जहां तानाशाही है, जहां डिक्टेटरशिप है, वहां जरूरत है। जहां पर दूसरे काम है, अगर बड़े बड़े व्यवसायी घर हैं उसके अंदर जरूर हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, जितनी टेक्निकल और स्पेशलिस्ट जगह हैं वहां पर तो जरूर वंशवाद हो सकता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति के अंदर अवश्य लोग ऐसा कहते हैं कि ये वंशवाद है, लेकिन अंततः आपको जनता चुनती है, 5 साल बाद आपको पुनः लोगों के बीच में जाना पड़ता है, इसका मैं वंशवाद नहीं मानता। लेकिन दिलचस्प, मैं क्रिकेट पे वापस ले आती हूँ चर्चा को ताकि हम राजनीति की तरफ न भटकें। कई क्रिकेटर्स के बेटे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो नाम नहीं कैरी फॉरवर्ड हो पाता है? क्योंकि आपको टैलेंट की जरूरत होती है श्वेता, मुझे नहीं लगता। क्या ये इत्तेफाक होता है कि टैलेंट आता नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ हो सकता है, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे पिताजी क्रिकेटर थे, मैं जब भी बॉल करता था बहुत जल्दी आउट हो जाता था। अब क्या कारण है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने फिल्म स्टार का उदाहरण दिया क्योंकि फिल्म स्टार जो है वो ग्लैमर पर चलते हैं, तो ग्लैमर को आप एक तरह से मार्केट कर सकते हैं। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे जब आप ग्राउंड पर जाओगे, मैं आपके लिए नहीं हूँ रन बनाने के लिए, रन आपको बनाने हैं। फर्क वही है, आपको वाकई अगर टैलेंट नहीं है तो आप नहीं बना सकते रन। आपने गावस्कर के बेटे का उदाहरण लिया, देखिए गावस्कर के बेटे इंडिया के लिए 2-3 मैच खेले लेकिन वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, और वो खेले इस वजह से नहीं कि वो गावस्कर के बेटे थे, वो खेले क्योंकि उन्होंने भी उस साल रन बनाए थे। मैं नहीं मानता कि खासकर कि आज की तारीख में आप क्रिकेट टीम में आ सकते हैं क्योंकि आपके कनेक्शन है, आप बिजनेस में कर सकते हैं आपके कनेक्शन है, आप फिल्म में कर सकते हैं, लेकिन आप राजनीति में कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में कनेक्शन से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। नहीं, आपने अपना उदाहरण दिया कि आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके फादर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, हम लोग खुद उनके बहुत फैन थे, लेकिन हमारे सामने दो जीते जाते उदाहरण हैं, भारत के पूर्व कप्तान लाला अमरनाथ, उनके दोनों बेटे, और खास करके उसमें जिमी अमरनाथ जिसको मोहम्मद अली ऑफ क्रिकेट कहा जाता था। कम बैक्स उन्होंने इतने किए, टीम में आते थे उनको निकाला जाता था फिर वह परफॉर्मेंस करते थे, टीम में आते थे। वैसे ही विजय मंजरेकर साहब जो आपके पिता से भी सीनियर थे, उनके बेटे जी खेलने के लिए आए, बट वो एक्सेप्शन है। एग्जैक्टली, मैंने कहा निकल सकते हैं कि नहीं निकलेंगे सर, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस टू द कॉज आर एवरीवेयर। सर विराट कोहली के पिताजी कोई क्रिकेटर नहीं थे, महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कोई क्रिकेटर नहीं थे, इसके सचिन तेंदुलकर के पिताजी तो प्रोफेसर थे, इसके बावजूद वो इतने बड़े क्रिकेटर बने। मेरा ये कहना है मैं नहीं मानता कि क्रिकेट में वंशवाद है,
मैं अभी भी कहता हूं राजनीति में वंशवाद है नहीं, अगर वो दोनों आए तो अपने परफॉर्मेंस से आए। और जहां तक वंशवाद की बात आप करते हैं, मैं आपसे फिर इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप इलेक्ट होकर के आते हैं, कोई आपको सेलेक्ट करके नहीं भेजता, कोई राज्यसभा नहीं होता, लोग लोकसभा में जीत करके आते हैं, राज्यसभा में आप सेलेक्ट होकर आते हैं राज्यों से, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्ट जनता 40 लाख लोग आपको जिताती है, आप जीतते हैं और फिर आप आते हैं। अब यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको बनाते हैं। अब वो अब किसी एक परिवार में से आ जाए तो अलग बात है। अब दूसरी बात देखिए, एक लाइटर नोट में कहूंगा, इसको गलत न लें, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए उनका परिवार है ही नहीं, तो वंशवाद कहां से चलेगा। डेमोक्रेसी 11 के 11 किरदार कहीं पर जुड़ रही थी सबकी कहानियां। हां बिल्कुल जुड़ती है, जुड़ती यहां है श्वेता कि ये जितने भी ये जो लड़के हैं इसमें एक तो कमी है कि लड़की नहीं है। आज की डेमोक्रेसी 11 में लड़की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियां जो है वो भी वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची है, तो एक तो ये बात तो जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि एक बात इनको जोड़ती है, ये सब सुबह 5 बजे उठते थे, मेहनत से ग्राउंड पर जाते थे, बहुत मेहनत करके रन या विकेट बटोरते थे और फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए। इन्होंने किसी ने शॉर्टकट नहीं लिया। जिंदगी में हम बहुत चीजों में शॉर्टकट लेना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा इन 11 लोगों ने जिंदगी में कहीं शॉर्टकट नहीं लिया, किसी के कनेक्शन को बनाकर अपनी जिंदगी नहीं बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। छोटे शहरों से आए, बड़े घरों से आए, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट नहीं लिए लाइफ में। जब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, देखिए कहीं पर भी अगर स्पेशलाइज जॉब आप करते हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैदान पर करना पड़ेगा। और मेहनत आप नहीं करेंगे और सोचें कि मैं शीर्षस्थम स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो वो संभव नहीं है। तो यह बात आपने जो कही यह स्वाभाविक है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जिसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब डॉक्टर को ऑपरेशन, सर्जन को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वह उसकी प्रैक्टिस करता है, वो उसको सीखता है, सीखने के बाद ही एक अच्छा सर्जन बन पाता है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने लोग भी खेल के मैदान में आए, विशेष करके क्योंकि हम क्रिकेट की अभी बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसीज 11 की बात कर रहे हैं, तो आप अगर मैदान पर मेहनत नहीं करेंगे, आप एक में अच्छा कर सकते हैं, दो में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आप धोनी या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं कहलाए जा सकते। मैं किताब में जो आपका विवरण है उसमें प्री इंडिपेंडेंस को लेकर जो चंद लाइनों का जिक्र हो जाता है कि किस तरीके से ये आजादी के बाद के का जिक्र है हमारा कि किस तरीके से जोड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले बड़ा दिलचस्प है वो हिस्सा जहां पर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था, मतलब हिंदुओं की अलग टीम और मुसलमानों की अलग टीम, दलितों को टीम में जगह नहीं। जी बिल्कुल श्वेता, सबसे बड़ी बात जो कई लोगों को मालूम नहीं होगी शायद कि 1930 के दशक में भारत में 5 टीम हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम यूरोपियन पारसी और रेस्ट, जिसमें सिख वगैरह क्रिश्चियन वगैरह होते थे। बहुत लोगों को ये कम जानकारी होगी कि 1920 के दशक में मुंबई का सबसे बड़ा क्रिकेटर दलित था, जिसने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, और उस क्रिकेटर को जब चाय का समय आता था उसको कहा जाता था अब अलग कमरे में बैठिए, आप अलग कप से आपको चाय दिलाई जाती थी। आप सोचिए ये 100 साल भी नहीं हुए हैं, ये 100 साल पहले की भारत की घटना है कि मुंबई का सबसे बड़ा क्रिकेटर जो था उसको अलग बैठकर चाय पीनी पड़ती थी। आपके टीम जो थे हिंदू मुस्लिम यूरोपियन पारसी इस तरह के हुआ करते थे। उस जमाने से आज सोचिए जब मोहम्मद शमी बॉलिंग करता है तो क्या आप सोचते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान? जब उमेश यादव बॉलिंग करता है क्या आप सोचते हैं कि वो यादव है? ये केवल एक में क्रिकेट की एक खूबी है कि हम नहीं सोच, राजनीति में आप सोचते हैं जब कीर्ति आजाद दरभंगा जाते हैं तो वो वोट लेंगे मुसलमान है, कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप वोट लेते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते थे आजाद साहब, तब आपने कभी धर्म की बात नहीं कही, कभी जाति की बात नहीं की। जैसे आप बिहार गए राजनीति करने तो आपने जाति और धर्म की बात की, सही है ना? नहीं, मैं जैसे ही क्या, मैं धर्म मानता ही नहीं,
जो इंसान धर्म माने ही नहीं वो किस मजहब का है, मुझे तो मालूम नहीं मेरा मजहब क्या है। मैं दिल्ली में रहा, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, मेरे पिताजी 1952 में ही संसद सदस्य बन गए थे, कांग्रेस के सदस्य थे, चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं जब तक मैं गया नहीं। मैं तो एक अर्बन आदमी था, रूरल एरिया भेज दिया, वहां से 3-3 बार चुनाव जीत करके आज भी बैठा हूं, तो मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई। लेकिन यह बात आपकी जरूर मानता हूं कि राजनीति में इन सभी चीजों को देखा जाता है और इन सभी चीजों को देखने के बाद में उसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में हम लोग खेले, हमारी टीम में जब विश्व कप 1983 में हम लोग जीते थे, 1983 में उस टीम का सदस्य था, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उस टीम में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था और ईसाई भी था। हमारे पास मुस्लिम में सैयद किरवानी थे, क्रिश्चियन में रॉजर बिनी थे और बलविंदर सांधु सिख में थे और बाकी हिंदू तो थे ही। तो इट्स अ कंप्लीट टीम। उस समय कोई ये नहीं देख रहा था कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमें फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है। अरे इंडियन टीम है, वर्ल्ड कप जीती और उस दिन का जो दिन था, मैं मरते दम तक मैं चाहे किसी ऊंचाइयों तक चला जाऊं, जो 1983 में विश्व कप कपिल देव ने जब उस समय कप को उठाया था, उससे बड़ी और मुझे खुशी कभी जिंदगी में हो नहीं सकती। तो यही तो बात है, 3 बार नेता बने हैं, मानते हैं कि नेता बनने से कोई बड़ी बात नहीं होती? बिल्कुल मानता हूं। मानते हैं ना? बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि नेता होकर मैं सच नहीं बोल सकता, सच बोलता हूं कलयुग का जमाना है, लोग मेरी सुनते नहीं। मैं अगर चोर को चोर बोलता हूं तो लोग मुझे सुनते नहीं। नहीं, नहीं अब इसमें मैं क्या करूं, जब भ्रष्टाचार की बात उठाता हूं, राजनीति में हूं, राजनीति मेरा काम है कि भ्रष्टाचारों को उठाऊं, वो मेरी नहीं सुनी जाती, तो इसीलिए मुझे क्रिकेटर होने का गर्व है। क्रिकेट में भी सही बात है, गलत है, सही बात है नहीं, आपकी बगावत तो क्रिकेट में भी दिखती रही थी कीर्ति आजादी, आपने तो हर जगह कहा जो भी कुछ गलत लगा आपने कहा, तो वहां पर भी आपका यही रहता था तो राजनीति में भी, क्योंकि कलयुग में सच बोलना पाप है और मैं ऐसा पाप हजारों बार इस कलयुग में करूंगा, सच्चाई बोलता रहूंगा, चोर को चोर बोलूंगा, गधे को गधा बोलूंगा, गधे को घोड़ा नहीं बोलूंगा। लेकिन आप मानते हैं कहीं कि राजनीति में ज्यादा चोरी और करप्शन है या क्रिकेट में है? नहीं, क्रिकेट में जितनी मेरिटोक्रेसी है उतनी ही चोरी भ्रष्टाचार है। अगर खिलाड़ी अपने दमखम पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं तो भारतीय क्रिकेट संघ के अधिकारी अपने दमखम पे पूरा भ्रष्टाचार करते हैं और वो भ्रष्टाचार के जीता जागता उदाहरण सदैव निकलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अभी कहा है, अनेकों रिपोर्ट सामने आई हैं, मैं जिस एसोसिएशन दिल्ली है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलता हूं उसके अंदर अनेकों रिपोर्ट आ गए हैं, अभी तो लेटेस्ट कंट्रोल में आए हैं, अब कंट्रोल में आए इतनी सारी चीजें होने के बाद? नहीं, कंट्रोल में तो ये कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये वो पूंछ है, किसी चीज भी इसको सीधा कर दो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है और ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब तक कि करप्शन के लिए सीबीआई ने भी डीडीसीए में अक्टूबर 2015 को डीडीसीए को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को 2008-09 से लेके 12-13 तक उसकी जांच के लिए नोटिस दिया, आज 2 साल हो गए हैं, उस नोटिस का कुछ नहीं हुआ। मुझे मालूम नहीं कि लालू यादव के परिवार ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, लेकिन आरोप लगने के 1 महीने के अंदर सीबीआई ने काम किया। तो सीबीआई के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वह पिंजड़े में बंद एक तोता है और इस तोते को जब तक कोई मिर्ची खिलाएगा नहीं तब तक ये डीडीसीए में जाके जांच करेगा नहीं और वहां का भ्रष्टाचार उजागर होगा नहीं। हम आपकी किताब की तरफ कुछ देर के लिए लौट लेते हैं क्योंकि सेशन का जो समय है वो तेजी से अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इतने क्रिकेटरों से बात करते हुए आपने सबसे बातचीत की है, ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई किस्से कहानियों के आधार पर आपने ये बातें लिखी हैं, कोई एक ऐसी घटना किसी की जुबान से निकली हुई जो इस किताब में शायद दर्ज हो ना हो लेकिन आपके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गए? देखिए, ऐसे कई किस्से हैं, जैसे मैंने कहा धोनी का किस्सा मेरे सामने हमेशा होता है कि आप ट्रेन के रेलवे के एम्प्लॉय थे, धक्का मुक्की खा रहे हैं, इसके बावजूद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक किस्सा है जो एक तरह से मुझे लगता है आज की तारीख में जब क्रिकेटर बड़े करोड़पति बन गए हैं उन्होंने ध्यान करना चाहिए। 1955 में भारतीय टीम यहां दिल्ली में खेल रही थी मैच, तब क्रिकेटरों को एक मैच के लिए 250 रुपए मिलते थे 5 दिनों के लिए, यानी 50 रुपए एक दिन के। तो तब वो उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो बोर्ड के ऑफिशियल के पास गए, कहा हमने तो 5 दिन खेल लिए, हमें पैसे दे दीजिए।
तो बोर्ड के जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है, आपको हम पैसे आपके घर में भेज देंगे। तब क्रिकेटर ट्रेन से जाते थे तो वो दिल्ली स्टेशन पहुंच गए, उनके पॉकेट में एक पैसा नहीं था, सबसे बड़े क्रिकेटर थे उस जमाने के। तो एक आदमी ने, तब मोबाइल भी नहीं था, कई कॉल लेके उन्होंने उस रेलवे स्टेशन से कॉल किया बोर्ड के अधिकारी को कि फ्रंटियर मेल से जा रहे हैं, दो दिन लगेंगे बंबई पहुंचने में, कुछ तो पैसे दे दीजिए। ट्रेन जाने जाते जाते 5 मिनट रह गए थे, एक बोर्ड ऑफिशियल आता है, कुछ बक्से लाता है, वो बक्से उस स्टेशन पर रखता है और बड़े बड़े क्रिकेटरों को 10-10 रुपए की नोट देता और कहते हैं ये 10 रुपए है चाय पानी के लिए। अब आप सोचिए उस जमाने में 10 रुपए प्लेयरों को दी जा रही थे चाय पानी के लिए ताकि वो बंबई वापस चले जाए, वो भी इंडिया के लिए खेल रहे थे। आज की तारीख में अपने विराट कोहली जो हैं वो करीब 1000 करोड़ की उनको एक तरह से उनकी पूरी ब्रांड वैल्यू हो गई है। और तब के जमाने में एक और स्टोरी उसी तरह से, 1962 का टूर आता है वेस्टइंडीज में और तब बड़े यंग क्रिकेटर थे और वेस्टइंडीज में काफी नाइट लाइफ अच्छी होती है, तो मैंने एक बुजुर्ग क्रिकेटर से पूछा तो आप रात को क्या करते थे, तो उन्होंने कहा सर रात को क्या बात करें, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं था, हमारे थाईपैड जो थे इतने कमजोर थे कि रात को हम केवल अमृतांजन जो थे हमारे थाई पर लगाते थे और कुछ नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। अब आप सोचिए उस जमाने से इस जमाने तक, जहां डॉक्टर होता है, कंप्यूटर पर कोई प्रोग्रामर होता है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है वो जमाना जहां प्लेयरों को बहुत कम मिलता था और आज के जमाने में जहां प्लेयरों को एक तरह से सुपरस्टार बन गए हैं, ये सबसे बड़ा फर्क आ गया, ये जिंदगी में आ गया है, जर्नलिस्टों में भी आ गया है। एक जमाने में जर्नलिस्टों को जो सैलरी मिलती थी और आज मिलती है, और आज स्टार बन गए, खासकर की टीवी एंकर श्वेता आपकी तरह। उस जमाने में कोई, मुझे आप जो भी बोलेंगे उसमें अपना 10 गुना ऐड करना पड़ेगा अनुभव को देखते हुए, पर मैं कहता हूं जमाना बदल गया है और ये जमाना जो है ये आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि किस 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 मुश्किलों से लोग गुजरे हैं। और कीर्ति आजाद के जमाने में भी जब वो 83 का वर्ल्ड कप का जिक्र करते हैं, उनको लता मंगेशकर की एक कॉन्सर्ट करनी पड़ी ताकि उनको कुछ पैसा मिले, पूरे टूर्नामेंट के लिए मुझे लगता है आपको केवल 20,000 रुपए दिए गए। नहीं, पहले हमें बोर्ड ने कहा जब हम जीते तो लॉर्ड्स में एनकेपी सालवे साहब प्रेसिडेंट थे और वो लॉर्ड्स लंदन मैदान में आए जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और आए और कहने लगे हम बड़े खुश हैं और सब प्लेयर्स को 5,000-5,000 रुपया देंगे। तो हम लोगों ने कहा हमें टिप्स नहीं चाहिए भैया, विश्व कप जीते हैं, कोई थोड़ा ना कोई टिप लेने के लिए आए हुए हैं। तो फिर राज सिंह डूंगरपुर जी, बहुत ही क्रिकेट खुद भी खेले हुए और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, वो लता जी को जानते थे, तो उन्होंने लता मंगेशकर जी से संपर्क किया और लता जी खुद क्रिकेट की बहुत दीवानी थी, तो लता मंगेशकर जी ने माना और कहा कि ठीक है मैं कॉन्सर्ट करूंगी और पैसा इकट्ठा करूंगी क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। तो लता मंगेशकर जी और नितिन जो और मुकेश जी जो हुआ करते थे, उनके बेटे नितिन मुकेश, वह दोनों आए थे और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हमारे लिए वह लता मंगेशकर नाइट हुआ था, उसमें पैसे इकट्ठे किए गए थे और पैसे इकट्ठे करके हम सबों को 1,00,000 रुपया दिया गया था। मैनेजर को 50,000 रुपये दिए गए, तो मैनेजर ने कहा मुझे 50,000 क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये शॉर्ट पड़ गए, जब आगे होंगे तो हम तुम्हें पूरे कर देंगे, अभी जाओ जितने मिले उतने लेके खुश रहो। चलिए, मुझे लगता है कि इसी के साथ हम चर्चा अपनी पूरी करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, भले ही हम क्रिकेट के पिच से भटकते हुए राजनीति की तरफ पहुंचे, लेकिन क्रिकेट के पिच से भटकते हुए तो बहुत लोग राजनीति की ओर पहुंचे। डेमोक्रेसी 11 है तो इसमें राजनीति तो होनी ही थी। नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो राजनेता है, पार्टी से सस्पेंड भी हुए हैं क्योंकि वो सच बोलना चाहते हैं और इसके साथ साथ क्रिकेटर है, लेकिन उन्होंने ये साफ आज कह दिया है श्वेता कि 83 का वर्ल्ड कप जीतना उनको ज्यादा महत्व देता है, पार्टी प्रेसिडेंट बनना उनके लिए कोई महत्व नहीं। आपको ये भी बताएं कि हमारे देश की जनता के लिए भी 83 का वर्ल्ड कप किसी भी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से बड़ा ओहदा है। यस, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।